तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मैं बोलती हूं सबसे कड़वे बोल। तुम भी वर्तमान के सागर में अतीत की नदी देते हो घोल। अहंकार इतना होता है कि उसमें प्यार नजर नहीं आता, कहीं वो नजर आए भी तो कैसे, तुम और मैं भी तो एक दूसरे को पहचान पाते नहीं। जिससे इश्क किया है उससे लड़ाई की है कभी? जिससे इश्क किया है उससे लड़ाई की है कभी? हवाएं अपने आप ही तंस कसने लगती हैं, खिड़कियां खुद ब खुद खुद को बंद करने लगती हैं, दरवाजे भी खामोश हो चिरमिराते नहीं उस दिन, गैस का चूल्हा भी सो जाता है खाना खाए बिन। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मैं बोलती हूँ सबसे कड़वे बोल। तुम भी वर्तमान के सागर में अतीत की नदी देते हो घोल। अहंकार इतना होता है कि उसमें प्यार नजर नहीं आता, कहीं वो नजर आए भी तो कैसे, तुम और मैं भी तो एक दूसरे को पहचान पाते नहीं। तुमसे दूर रहने के लिए मैं दरवाजा पटक कर बंद कर देती हूँ। तुम्हारे लब भी मुस्कुराया नहीं करते उस दिन, मेज के दूसरी ओर पड़ी एश्ट्रे भर जाती है शिकंद और शिकंद से, मेरे बिस्तर का तकिया भी मुझे सोने नहीं देता उस दिन। रात ढल जाती है और अगले दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह, तीसरे दिन सुबह, चौथे दिन सुबह, अंगड़ाई लेते हुए खुद से पूछती हूँ मैं कि झगड़ा तो था लेकिन झगड़ा किस बात पर था। और एक बार फिर अचानक एक शाम छिड़ जाती है हमारी नई बहस, तुम्हारी आवाज बुलंद, भोए तर्राई हुई और गला जैसे होने लगता है बंद। इस बार दरवाजा तुम पटक कर बंद कर देते हो, थोड़ा गम मना तुम रो लेते हो। उस पूरे हफ्ते वो बहस उछल उछल कर, मचल मचल कर हमारी बातों के बीच आकर उलझने लगती है, कभी पारी तुम्हारी तरफ तो कभी मेरी तरफ भी पलटने लगती है। मैं जीती तुम हार गए, नहीं तुम जीते मैं हार गई, कि इस अटपटे से खेल में एक नई सुबह भी पुरानी दोपहर बन जाती है, कभी तुम्हारी तरफ तो कभी मेरी तरफ जिंदगी भी देखने लगती है। मुद्दा इतना छोटा होता है कि हमें मुद्दा तो याद ही नहीं होता, सिर्फ उस मुद्दे का एहसास होता है। हमारा अहम इतना बड़ा होता है कि अहम को तो हम भूल ही नहीं पाते, उस अहम पे तो हमारा पूरा विश्वास होता है। क्यों हम प्रेम से प्रेम कर सकते हैं, क्यों हम प्रेम से प्रेम कर सकते हैं लेकिन प्रेम से मतभेद नहीं? क्यों हमें इश्क का लाल रंग तो पसंद है लेकिन इश्क का रंग सफेद नहीं? क्यों इन बहस को, इन बातों को, इन बेहिसाब रातों को हम ऐसे सींचते हैं जैसे हमारा रिश्ता सिर्फ इसी पर टिका हो? क्यों खुद को बार 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 रूठने पर हम मनाते ही नहीं? ना है होता उजाला यहाँ, ना है सावन का पता, ना कलियां खिलती इधर, ना खुशियों का पता। देखो अब कुछ साल बीत गए हैं जानम, मेरे बालों में चांदी आने लगी है और तुम्हारी दोपहरों में है सोने का आलम। दरवाजा पटकने की हमारी उम्र ही नहीं रही है, बहस करनी होती है तो हम टीवी ऑन कर लेते हैं, किसी न्यूज चैनल का बेबुनियाद विवाद देखकर एक दूसरे की कमी पूरी कर लेते हैं। पता है मैं कभी चाय में शक्कर डालना नहीं भूलती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद थी। तुम भी तो पौधों को पानी देते हुए मेरी झुर्रियों के बारे में सोचते होंगे ना, कभी उलझी हुई कभी सुलझी हुई गुत्थियों का पिटारा तुम भी खोलते होंगे ना, ठीक वैसे ही जैसे मैं भी हमारी पुरानी तस्वीरों पर उंगलियां फेरते हुए सोचती हूँ कि हमें अलग हुए तो इतने साल हो गए लेकिन आज भी ठीक से पता नहीं, हमें अलग हुए तो इतने साल हो गए लेकिन आज भी हमें ठीक से पता नहीं कि झगड़ा तो था लेकिन झगड़ा किस बात पर था। कमी
शुक्रिया. अब इंजॉय एवरीवन. थैंक यू.